हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये जो सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अब उठ गई थी। और सबसे पहले उठ के मैं अपने भगवान जी को याद करती हूँ, उनके आगे खड़े होकर हाथ जोड़ती हूँ और साथ ही अपने मंदिर की लाइट भी खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह भगवान जी को याद करना अच्छा होता है, पूरा दिन अच्छा बीतता है। और भगवान जी को हाथ जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर मुँह धो रही हूँ, साथ ही आँखों में, अपनी आँखों में ठंडा ठंडा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि उससे आँखों की रोशनी जो होती है वो अच्छी ठीक रहती है। और मुँह में पानी भर के मैं आँखों में पानी डालती हूँ ठंडा ठंडा। और ये देखो, ये सारे काम करते करते मुझे 15 मिनट हो गए थे, टाइम हो गया 5:15। और मैंने अब अपने जो ये खिड़कियाँ हैं इनके कर्टेन को हटा दिया, क्योंकि कर्टेन वगैरह हटा देने चाहिए। और बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ, तो हल्का हल्का अभी हल्का उजाला है और अभी स्ट्रीट लाइट भी जली हुई है। इसके बाद ना मैं छत में आ गई थी, क्योंकि छत में बहुत ठंडी हवा चलती रहती है। और व्यू तो क्या दिखाऊं, यहाँ पर ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें हैं, पर फिर भी नेचर तो नेचर है ना। मॉर्निंग के टाइम बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर मैं घूमने लग गई थी और ये देखो, सुबह सुबह जब पक्षियों की आवाज़ और ये पेड़ पौधे जब इस तरीके से हिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के। और अब मैं नीचे आ गई थी और अब ये दही जो मैंने जमाती हूँ रोज़, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर किचन में आ गई थी मैं, और अब उसके बाद मैंने ये सारे जो किचन में जो रात को बर्तन धो के रखे होते ना, अब इन सबको मैं संभाल देती हूँ। तो रात तक तो सूख जाते हैं ना, फिर इनका पानी भी निथर जाता है। और इसके बाद मैंने ये जो मेरा काउंटर टॉप है, यहाँ पर पानी वैसे था तो नहीं क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, बट फिर भी मैं इस तरीके से एक बार इसको इस तरीके से वाइपर से वाइप कर देती हूँ। और अब इस पर कपड़ा भी मैं मार देती हूँ पूरा काउंटर टॉप पे। और इधर मैं गैस पे भी कपड़ा मारती हूँ, जबकि रात को मैं इसको पूरा पोंछ के साफ़ करके सोती हूँ। बट सुबह में मैं ना, मेरा एक रूटीन सा बन गया है कि उठ के पहले मैं अपनी गैस को इस तरीके से पोंछती हूँ, फिर मैंने जो काउंटर टॉप था इसको भी अच्छे से कपड़े से एक बार इस पर भी कपड़ा मार दिया था। और उसके बाद जो मेरी तांबे की गागर है, मैं इसमें से पानी निकालती हूँ और अब इस पानी को गर्म करूंगी। 4 गिलास पानी मेरा रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में रहता है। और देखो मेरे जो गागर है क्या चमक रही है। तो इसको अब मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ और पानी अब मैं बैठ के पीती हूँ, तो अब आराम से ज़रा पानी पीऊँगी। और आराम, गर्मियों में ना पानी जल्दी से पिया भी नहीं जाता है सुबह सुबह। और अब मैं ना यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रिला मिनी सोया चंक बनानी थी, तो वो मैंने यहाँ पर भिगो के रख दी हैं। और उतनी देर में वो भिगो के रख रही हैं, उतनी देर में मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन काट के रख रही हूँ। उधर कढ़ाई में जो है वो ऑयल गरम हो रहा है। अब सबसे पहले मैं सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले लहसुन डाल दी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा उसको फ्राई किया, फिर प्याज भी डाल दिया था। अब जितनी देर में लहसुन और प्याज फ्राई होता है ना, उतनी देर में मैं क्या करती हूँ, टमाटर जो होता है उसको कद्दूकस करके रख देती हूँ। मतलब 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती। और अब इस टमाटर को भी मैंने डाल दिया था और उसके बाद मसाले ऐड करके न्यूट्रीला डाल दी थी, तो सब्जी जो है लगभग बनकर हो गई तैयार। और अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको एक उबाल आएगा और उसको ढक्कन रख के सिम आँच पर पकने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट आटा गूंद दे देती हूँ और सब्जी उधर बन रही है और इधर मैं आटा गूंद के रख दूंगी। और अब आटा भी मैंने गूंद दिया था अच्छे से और अब इसमें ढक्कन लगा के रख दूंगी। और इधर अब मैं बच्चों के लिए फ्रूट लंच पैक कर रही थी, तो बच्चे 2 लंच लेके जाते हैं। फ्रूट लंच ना उनका 9 बजे करीब ना मॉर्निंग में जाते ही फ्रूट लंच होता है, तो इसके लिए मैं फ्रूट काट के रख रही थी दोनों की डिब्बियों में। तो फ्रूट में कभी कोई फ्रूट रख देती हूँ चेंज कर करके, और अब दोनों के फ्रूट लंच भी पैक हो गए थे। और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, तो उधर बच्चे अपना ब्रश वगैरह अपना जो भी है नहा रहे, धो रहे हैं, अपनी ड्रेस पहन रहे हैं। और इधर मैं उनके लिए परौंठी बनाकर रख देती हूँ, तो अब उनके टिफ़िन भी मैं पैक करके रख दूँगी। तो बच्चों के लिए मॉर्निंग का ये हो गया है पूरा काम। और टिम्मी शान हो गए हैं रेडी अपने बैग, इनका मैं टिम्मी का बैग रख कर आऊँ नीचे। बैग बहुत भारी होता है, अब आगे जब तू स्कूल से आएगा तब। और अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों को नीचे छोड़कर आ गई। सब्जी जो है आज मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मिनी न्यूट्रिला मिनी सोया चंक बनाया है। और बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट बनाती पास्ता वगैरह, तो अभी मुझे दोबारा से इनके टिफिन के लिए दूसरी सब्जी बनानी पड़ती। ये जो मैंने आटा गूंथ के रखा है,
तो इस आटे को मैं अब फ्रिज में रख दूंगी। जो है ये तो थोड़ा लेट जाते हैं, तो तब तक तो भाई गर्मी है, तो गर्मी में क्या होता है आजकल आटा खराब हो जाता है। तो जब ये इनके लिए टिफिन बनाऊंगी तो उससे आधा एक घंटा पहले इसको निकाल के रख दूंगी। 7:30 हो गए हैं, बट बच्चे तो 7:15 पे चले गए थे। तो रूम में देखो किस तरीके से मिसमैच रहता है। अब ये देखो हमारे रूम की हालत इसी तरीके से मॉर्निंग में पूरा मिसमैच रहता है। मॉर्निंग में तो बस ये रहती, जाने की ही रहती, फटाफट अपना निकल जाए, लेट ना हो जाए। आज उनके प्रोजेक्ट वर्क थे तो वो लेके गए थे, तो सामान कुछ ज्यादा ही फैल गया, वरना इतना नहीं फैलता था। और अब मैंने ये अब धो दिए थे ये बर्तन वगैरह, और बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक भी धो दिया था, क्योंकि जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को भी धो देती हूँ, तो इससे जो सिंक रहता है वो चमकता हुआ साफ रहता है। अब ये रखा स्टेशनरी का सामान, तो मैंने कहा ना बच्चों की आज कोई एक्टिविटी थी, तो उन्होंने सारा स्टेशनरी का सामान फैला दिया, क्योंकि उनको कुछ सामान इसमें से स्कूल ले जाना था। स्टेशनरी का सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया इकट्ठा करके, बस अब इकट्ठा करके सारा यहाँ पे रख दिया। अब इसको वापस अलमारी में ऊपर यहाँ संभाल दूंगी। यहाँ पे भी डस्टिंग कर दी है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से पहले जो होता है वो डस्टिंग करनी जरूरी होती है। और अब इस रूम में भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, डस्टिंग भी हो गई है। अब बस यहाँ पे रह गया था, तो यहाँ पे जो है ये शूज वगैरह जो यहाँ पे रखे हैं बच्चों ने, इन्हें मैं ऊपर जो मेरा शू रहेगा उसमें रख दूंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करना तभी ठीक लगता है जब पूरा सामान अपनी जगह पे हो और खुला हो। जो ये लिक्विड सॉप है हैंड वॉश, ये बॉटल्स जो है छोटी छोटी हैंड वॉश के लिए रखी है, अब इन सब में एक को भर दूंगी। पूजा वगैरह हो गई थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। चलिए अब मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से। तो ब्रेकफास्ट बनकर हो गया है रेडी, और आजकल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दही तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और इधर बच्चों के पापा जी हो गए हैं रेडी, ब्रेकफास्ट कर लो। तो अब ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों के पापा जी ऑफिस चले गए हैं, और लगभग लगभग घर के सारे काम खत्म हो गए, बस अभी ये बर्तन रह गए थे। और इसके बाद जो है मेरा घर का काम जो है मॉर्निंग का पूरा कंप्लीट हो गया है। और वही है कि अगर हम सुबह के टाइम टाइम पर उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, तो घर के हमारे सारे काम जो होते हैं वो आराम से हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। मॉर्निंग के सारे काम और क्लीनिंग भी हो गई है बहुत अच्छे से, और पूरा जो है किचन भी पूरा क्लीन है, सिमट गया है। और अब मैंने कहा जरा यहाँ पे पानी पी लिया जाए, क्योंकि हम लोग जो होते हैं लेडीज, हम घर में रह के पानी, हम घर में भी रहते हुए पानी पीना भूल जाते हैं। तो अभी पानी इसमें से निकाल दी थी, और ये जो हमारा मटका है इसमें मैं पानी क्या करती हूँ रात को भर देती हूँ, इसको पूरा फुल कर देती हूँ इसको रात को। तो सुबह के टाइम देखो इसमें बहुत ही ठंडा पानी रहता है, देखो इसे छूकर मुझे एहसास हो रहा है कि जो है इसका पानी बहुत ठंडा है, सचमुच बहुत ठंडा पानी होता है इसका। Hello everyone, myself Tanish Kukreti of class 6C. Today my mom hides some jewelry and coin in this soil. So let's find out. अरे अभी टिम्मी स्कूल से आ गया था, और आते ही इसको मैंने SST की एक एक्टिविटी करवाई, क्योंकि ये आज ही सेंड करनी थी और ये स्कूल ड्रेस में ही भेजनी थी, इसलिए मैंने कहा आते ही पहले तू इस एक्टिविटी को कर दे। Oh, I found one thing. This is a beautiful jewelry. Let's find the coin. Oh. I found that coin and this is 50 paise coin. I think there is no more things in this soil. Dinner वगैरह हमारा हो चुका है, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, देखो सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठकर आओ ना तो इस तरीके से किचन में जब पूरा काम समेट के सो तो मॉर्निंग में एक फ्रेशनेस सी रहती है और अच्छा लगता है, हपड़ दपड़ नहीं होती, आराम से अपना स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं बच्चों के लिए बना रही थी पॉपकॉर्न, बच्चों ने कहा कि हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, चलो मैंने कहा ठीक है बच्चों की बात का भी ध्यान रखा जाए। पॉपकॉर्न खाने के बाद जो ये कढ़ाई है ना, इस कढ़ाई को भी मैं धो दूंगी, मतलब सिंगल बर्तन भी मैं नहीं छोड़ती। और वही है घर के सारे काम अगर मैनेजमेंट से और एकदम तरीके से करो तो कोई दिक्कत नहीं आती, घर के काम भी होते रहते और सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। मैंने कहा ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर कमेंट। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।